लॉन्ग डिस्टेंस में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है यूनिक वे में, वो भी पूरा दिन, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आज की वीडियो में मैं फुल सरप्राइज प्लान बताने जा रही हूँ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या फियांसे के लिए। बहुत ही ज्यादा स्पेशल आइडियाज हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, ये पार्ट 3 है फुल सरप्राइज प्लान फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और अगर आपको पार्ट 4 चाहिए होगा तो कॉमेंट करना, मैं पार्ट 4 भी बना दूंगी। तो यस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आइडिया है कि आपको अपने पर्सन को एक बॉक्स देना है एंड उस बॉक्स के ऊपर लिखना है ओपन व्हेन इट्स योर बर्थडे, एंड साथ में टाइम भी लिखना है 12 AM, मतलब जब आपके पर्सन का बर्थडे होगा जिस दिन, उस दिन रात में वो 12 बजे उस बॉक्स को खोले। तो जब आपका पर्सन बर्थडे से पहले आपको मिलने आए तब आप ये बॉक्स दे सकते हो, या फिर आप उसके बर्थडे से पहले डिलीवर करा सकते हो उसके एड्रेस पे। तो जब भी उसका बर्थडे होगा वो 12 बजे रात में उस बॉक्स को खोलेगा एंड उससे बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज मिल जाएगा। जंपिंग क्यूब बनाने के लिए आपको स्क्रीन पे लिखी हुई मेजरमेंट का पेपर पढ़ लेना है एंड उसे इस तरह से कट कर लेना है। पेपर को फिर अच्छे से फोल्ड कर देना है एंड एक क्यूब में हमें इस तरह के 2 पेपर लगेंगे, तो हम दोनों पेपर को इसी तरह कट कर लेंगे। अब दोनों को स्टिक कर देंगे साथ में। फिर हमें होल करना है जिसमें हम इलास्टिक बैंड लगाएंगे। इलास्टिक बैंड को अच्छे से बांध देना, मैंने डबल गांठ लगाई थी ताकि वो खुले ना बिल्कुल भी। अब हम इसको क्यूब के फॉर्म में बना लेंगे, तो फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से स्टिक कर देना। अब इस पे पेपर या कोट्स वगैरह पेस्ट कर देना एंड हमारा क्यूब अब रेडी है। तो चलो अब बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए अगेन मेजरमेंट को फॉलो करो और फिर इसे इस तरह से कट कर लेना। अंदर हैप्पी बर्थडे का कार्ड स्टिक कर देना। अब हम इसका कैप बनाएंगे, तो अगेन मेजरमेंट को फॉलो करो एंड इसे फेविकॉल से स्टिक कर दो। बॉक्स का कैप भी अब रेडी है। अब इसे थोड़ा हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो टॉप पे हम क्या लिखेंगे, ओपन ऑन योर बर्थडे 12 AM। तो हमारा बॉक्स एकदम रेडी है। अब बॉक्स के अंदर आप जो भी चीज रखना चाहते हो रख देना। मैंने यहाँ पे बलून्स रखे हैं एंड क्यूब रखे हैं एंड में थोड़े बहुत कट किए हुए पेपर रखे हैं। तो हमारा बॉक्स अब बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट, अब 8 बजे मॉर्निंग में क्या सरप्राइज देना है, मतलब जब भी आपका पर्सन सो के उठे तब आपको उसे वेकअप सरप्राइज देना है। इसमें आपको अपने पर्सन को वीडियो कॉल करना है एंड वीडियो कॉल पे सरप्राइज देना है। मैं सैंपल अभी दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो कॉल पे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको हाथ में पेपर लेकर पेपर को हटाते हुए उसे मैसेज दिखाना है, जो भी आपने उसमें लिखा हो, मतलब बर्थडे विश करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, अप्रिशिएट करना है उसे, लेकिन आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना, उस पेपर पे लिखा होना चाहिए, तो वो उसे सुबह सुबह एक प्यारा सा सरप्राइज मिल जाएगा। पर्सन से फॉर्म फिल कराना है। कैसा फॉर्म, बताती हूँ। आपको अपने पर्सन को टिक करने को बोलना है उस फॉर्म में सब कुछ। आप व्हाट्सएप पे ये भेज सकते हो। तो उससे आपको क्या पूछना है, डू यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद मी ऑन वीडियो कॉल और वॉइस कॉल। देन आपको उससे पूछना है व्हाट्स मूड यू वांट टुनाइट, फन मूड चाहिए, रोमांटिक मूड चाहिए या काम मूड चाहिए। हाउ डू यू वांट मी टू लुक टुनाइट, क्यूट दिखूं मैं, रोमांटिक दिखूं मैं या सेंशुअल दिखूं मैं। उससे पूछो कि मैं किस कलर का आउटफिट पहनूं, व्हाइट कलर का, रेड कलर का या ब्लैक कलर का। फिर उससे पूछो चूज आर डेट फॉर टुनाइट, मूवी साथ में देखना चाहते हो, गेम साथ में खेलना चाहते हो या डिनर साथ में करना चाहते हो या सिर्फ बातें करना चाहते हो मेरे साथ।
साल। देन आप उससे पूछो चूज टूडेज मेन्यू, इंडियन खाना चाहते हो, इटालियन खाना चाहते हो या मैक्सिकन खाना चाहते हो, तो जो भी वो चूज करे आप उसके घर पे वो फूड डिलीवर करा सकते हो। देन आप पूछो हाउ डू आई डेकोरेट माई रूम विद, मतलब कैसे मैं अपना रूम डेकोरेट करूँ, बलून्स के साथ, नियॉन लाइट के साथ या हमारी फोटोज के साथ, तो जो भी वो चूज करेगा वैसे आप डेकोरेट करना रूम। देन आप उससे पूछो डू आई प्लान समथिंग स्पाइसी फॉर यू टुनाइट, मतलब उससे पूछो क्या आप कुछ स्पाइसी चाहते हो आज की रात, यस और नो में उसको आंसर देना होगा। तो ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इन सारी चीजों को वो आंसर देगा, तो काफी फन रहेगा ये। तो हमने 12 बजे फॉर्म फिल कर लिया, अब शाम को 4 बजे क्या करना है, शाम को 4 बजे आपको अपने पर्सन को व्हाट्सएप पे फोटोज भेजनी है विद कैप्शन। कौन से कैप्शन बताती हूँ, तो आप वो फोटो भेजो जो फोटो आप दोनों की सबसे हैप्पीएस्ट फोटो हो और उस पे कैप्शन लिखो आर हैप्पीएस्ट फोटो टुगेदर। वो फोटो भेजो जो आपकी फेवरेट फोटो हो उस पर्सन की एंड उसमें कैप्शन लिखो माई फेवरेट फोटो ऑफ यू। देन आप इसी तरह एक और फोटो भेजो जो आप दोनों के साथ की फोटो हो और उसपे कैप्शन लिखो आर फेवरेट फोटो ऑफ अस। देन आप वो फोटो भेजो जो फोटो आपकी बहुत ही ज्यादा प्यारी मेमोरी की हो और वो फोटो आप कभी भूलना नहीं चाहते हो, एंड उस फोटो में आप लिखना आई विल नेवर फॉरगेट दिस पिक्चर। देन आप वो फोटो भेजो जो शायद आपका पर्सन भूल चुका हो, तो आप उससे पूछो डू यू रिमेम्बर दिस पिक्चर। देन आप अपने पर्सन की एक कुछ क्यूट एंड वियर्ड सी फोटो भेजो एंड उसमें कैप्शन लिखो योर वियर्ड फोटो दैट आई लव द मोस्ट। देन आप दोनों की जो सबसे क्यूटेस्ट फोटो हो वो भेजो और उसमें कैप्शन लिखो आर क्यूटेस्ट फोटो टुगेदर। देन आप वो फोटो भेजो वो जो फोटो देख के आप अपने पर्सन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हो एंड उसमें लिखो यू मेड मी प्राउड ऑफ यू विद दिस। नेक्स्ट आप वो फोटो भेजो कि जब आप भी कभी सैड होते हो तो जब वो फोटो देखते हो तो आप खुश हो जाते हो, वो वाली फोटो भेजो एंड उसपे कैप्शन लिखो व्हेनेवर आई एम सैड आई लुक एट दिस पिक्चर। एंड लास्ट में आप वो फोटो भेजो जिस फोटो की वजह से आप अपने पर्सन से प्यार करने लगे थे एंड उसमें कैप्शन लिखो यू मेड मी फॉल इन लव विद दिस पिक्चर। तो आपको ये सारी पिक्चर्स अपने फोन में ढूंढनी है एंड उसमें अच्छे अच्छे कैप्शंस डालकर आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है या स्टोरी पे लगानी है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि आप ये कैप्शंस लिख सकते हो, आपके दिमाग में कोई और भी कैप्शन हो तो वो आप कैप्शन लिख के अपने पर्सन को भेजना, उसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील होगा। नाउ अब 8 बजे क्या करना है, आपके पर्सन ने जो 4 बजे फॉर्म फिल किया था ना उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। मतलब अगर उसने वीडियो कॉल पे सेलिब्रेट करने को बोला था तो वीडियो कॉल पे सेलिब्रेट करना अपना बर्थडे। उसने अगर रोमांटिक मूड चूज किया था तो कुछ रोमांटिक सा डेकोरेशन करना। उसने अगर चूज किया था कि आप क्यूट दिखो तो आप कुछ क्यूट सा आउटफिट पहनना। जो कलर उसने चूज किया था वो कलर पहनना। जो डेकोरेशन जैसा उसने चूज किया था वैसा डेकोरेशन करना। मतलब अगर उसने फोटोज वाले डेकोरेशन चूज किया था तो आप फोटोज वगैरह लगाना। तो इस टाइम आपको वो सारी चीजें करना है जो उसने उस फॉर्म में फिल किया था एंड उसको फॉर्म फिल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये वाला सरप्राइज आइडिया आप जरूर करना, उससे फॉर्म जरूर फिल कराना। तो सारी चीजें आप अच्छे से सेटअप कर लेना एंड वीडियो कॉल पे आप सारी चीजें दिखाना, जैसा आप उसने फॉर्म में फिल किया वैसी चीजें आप पूरा दिखाना है कि आपने वैसा ही सेटअप किया है बिल्कुल। तो अब बज गया है 11:59, तो मैं अपने हर फुल डे सरप्राइज प्लान में बताती हूँ कि आपको 12 बजे भी विश करना है एंड एंड में 11:59 बजे भी विश करना है। तो हम 11:59 बजे स्वीट वे में हमेशा विश करते हैं। तो अब आपको 11:59 बजे बहुत ही क्यूट एंड लिटिल वे में उसे विश करना है। इसके लिए आपको छत पे जाना है एंड अपने पर्सन को स्टार्स दिखाना है एंड बोलना है आई लव यू टू द स्टार्स एंड बैक एंड हैप्पी बर्थडे विश करना है। तो उसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील होगा, मतलब उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट फील होगा। मतलब चीजी सी लाइन है ना, तो ये चीजी लाइन बहुत ही ज्यादा क्यूट फील कराती है। तो आप ये करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आई होप कि ये
सरप्राइज आइडियाज आपके पर्सन का डे बना दें। आपको और भी आइडियाज चाहिए तो पहले के दो पार्ट्स देख लेना, उसमें भी आपको थोड़े बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसके भी मैंने फुल डे सरप्राइज प्लान बनाया है बॉयफ्रेंड के लिए, तो आप वो भी देख लेना। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉलो दीज हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।